पंच षष्ठीतम सर्ग 65वां सर्ग। अथांतर समस्त देवों से युक्त भगवान नेमिनाथ उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सुराष्ट्र देश की ओर आए। जिनेन्द्र रूपी सूर्य यद्यपि उत्तरायण को उल्लंघन कर दक्षिणायन को प्राप्त कर हुए थे, तथापि उनके तेज की वृत्ति पहले के ही समान व्याप्त थी। भावार्थ, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है तब उसका तेज कुछ कम हो जाता है, परंतु नेमि जिनेन्द्र रूपी सूर्य का तेज उत्तरायण उत्तर दिशा से दक्षिणायन दक्षिण दिशा में आने पर भी कम नहीं हुआ था, पहले ही के समान सर्वत्र व्याप्त था। समोषण की विभूति से युक्त नेमि जिनेन्द्र जब दक्षिण दिशा में विहार करते थे तब वहाँ के देश स्वर्ग के समान सुशोभित हो रहे थे। तदंतर जब अंतिम समय आया था तब निर्वाण कल्याण की भूभूति को प्राप्त होने वाले नेमि जिनेन्द्र मनुष्य सुर और असुरों से सेवित होते हुए अपने आप गिरनार पर्वत पर आरूढ़ हो गए। वहां पहले के ही समान फिर से कलुषता रहित त्रियंश मनुष्य और देवों के समूह से युक्त समोषण की रचना हो गई। समोषण के बीच विराजमान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का एक साधन रत्नात्रय से पवित्र एवं साधु सम्मत धर्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार सर्वहितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बैठक में विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया था, उसी प्रकार अंतिम बैठक में भी उन्होंने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया। जिस प्रकार अग्नि में ऊर्ध्व जलन और उष्णता, पानी में शीतलता, वायु में वेग, सूर्य चंद्र आदि तेजस्वी पदार्थों में सब ओर से प्रकाशमानता, आकाश में अमूर्तिकपना और पृथ्वी में किसी पदार्थ को धारण करने की क्षमता स्वभाव से होती है, उसी प्रकार कृतकृत जिनेन्द्र भगवान का धर्मोपदेश भी स्वभाव से होता था, किसी की प्रेरणा से नहीं। तदंतर योग निरोध करने वाले भगवान नेमि जिनेन्द्र अघातिया कर्मों का अंत कर अनेक सौ मुनियों के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त हो गए। जिनके आगे आगे इंद्र चल रहे थे, ऐसे चारों निकायों के देवों ने भगवान के अंतिम शरीर से संबंध रखने वाली निर्वाण कल्याण की पूजा की। दिव्य गंध तथा पुष्प आदि से पूजित तीर्थंकर आदि मोक्षगामी जीवों के शरीर क्षण भर में बिजली की नाई आकाश को दैदीप्यमान करते हुए विलीन हो गए, क्योंकि यह स्वभाव है कि तीर्थंकर आदि के शरीर के परमाणु अंतिम समय बिजली के समान क्षण भर स्कंद पर्याय को छोड़ देते हैं। गिरनार पर्वत पर इंद्र ने वज्र से उकेर कर इस लोक में पवित्र सिद्ध शिला का निर्माण किया तथा उसे जिनेन्द्र भगवान के लक्षणों से के समूह से युक्त किया। तदंतर वरदत्त आदि मुनियों के संग की वंदना कर इत्यादि देव और राजा लोक सब यथा योग्य अपने अपने स्थान पर चले गए। समुद्र विजय आदि नौ भाई, देवकी के युगलिया छह पुत्र तथा शंभ और प्रद्युम्न कुमार आदि अन्य मुनिराज भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए उस समय से गिरनार आदि निर्वाण स्थान संसार में विख्यात हुए और तीर्थयात्रा के लिए आने वाले अनेक भव्य जीवों के द्वारा सेवित होते हुए सुशोभित होने लगे। धीर वीर पांचों पांडव मुनि भगवान को मोक्ष हुआ जानकर शत्रुंजय पर्वत पर प्रतिमा योग से विराजमान हो गए। उस समय वहां दुर्योधन के वंश का छुई वरोधन नाम का कोई पुरुष रहता था। जो ही उसने पांडवों का आना सुना त्यों ही आकर उसे वैरवश उन पर घोपसक करना शुरू किया। उसने तपाए हुए लोहों के मुकुट, कड़े तथा कटी सूत्र आदि बनवाए और उन्हें अग्नि में प्रत्यन प्रज्वलित कर उनके मस्तक आदि स्थानों में पहनाए। पांडव मुनिराज अत्यंत धीरवीर थे, कर्म के उदय को जानने वाले थे एवं कर्मों का नाश करने में समर्थ थे। इसलिए उन्होंने दहास के उस भयंकर उपसर्ग को हिम के समान शीतल समझा था। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीन मुनिराज तो शुक्ल ध्यान से युक्त हो आठों कर्मों का क्षय कर मोक्ष गए, किंतु नकुल और सहदेव बड़े भाग की राह को देखकर कुछ आकुलित चित्त हो गए, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न हुए।
मनुष्यों में शेष नारद ने भी दीक्षा ले, तप के बल से संसार का क्षय कर अविनाशी मोक्ष को प्राप्त हुए। समीचीन रत्नात्रय को धारण करने वाले अन्य अनेक भव्य जीव भी मोक्ष को प्राप्त हुए तथा निकट काल में जिनके संसार का क्षय होने वाला था ऐसे कितने ही जीव स्वर्ग गए। तुंगगिरी के शिखर पर स्थित बलदेव ने भी संसार चक्र का क्षय करने में उद्यत हो नाना प्रकार का तप किया। वे एक दिन, दो दिन, तीन दिन आदि को लेकर 6 माह तक के उपवासों से कषाय और शरीर का शोषण तथा धैर्य का पोषण करते थे। वन में मिलने वाली भिक्षा से प्राण धारण करने के लिए उद्यत बलदेव मिराज वन में विहार करने लगे और चंद्रमा का भय उत्पन्न करने वाले उन मिनिराजों को लोगों ने देखा। बलदेव वन में विहार कर रहे थे, यह बात नगर तक गांव में फैल गई और उन्हें सुन समीपवर्ती राजा क्षुभित चित्त होकर वहां आ पहुंचे। शंका रूपी विष से युक्त तथा नाना प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित उन राजाओं को जब देव सिद्धार्थ ने देखा तब उस वन में उसने सिंहों के समूह रच दिए। जब उन आगत राजाओं ने मुनिराज के चरणों के समीप सिंहों को देखा तब वे उनकी सामर्थ्य जानकर नमस्कार कर शांत भाव को प्राप्त हो गए। उसी समय से बलदेव मुनिराज लोक में नरसिंह इस रूप से सिद्धि को प्राप्त हुए। वे सिंह के समान चौड़े वक्षस्थल से सुशोभित थे तथा सिंह रूपी सेवकों से युक्त थे। इस प्रकार 100 वर्ष तक तप कर बलदेव मुनिराज ने अंत में समाधि धारण की और इसके फलस्वरूप ब्रह्मलोक के में इंद्र के पद को प्राप्त हुए। वहाँ के देवी देवियों के समूह से युक्त महल और उद्यानों से सुशोभित तथा रत्नों के समान दैदीप्यमान पद्म नामक विमान में कोमल उपात शय्यायान पर उस प्रकार देव उत्पन्न हुए जिस प्रकार की विशाल रत्नाकार की महाभूमि में महामणि उत्पन्न होता है। वह उत्तम देव वहाँ शीघ्र ही आहार, शरीर, इंद्री, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन 6 पर्याप्तियों से पूर्ण हो गया। नव यौवन से युक्त एवं वस्त्राभरण से विभूषित वह देव सर्वतोभद्र नामक शैया पर ऐसा उठ बैठ गया जैसो मानो सुख निद्रा पूर्ण होने पर ही उठा हो। इस प्रकार जब इस देव ने चारों ओर देखा तब अनुराग रूप से युक्त देवांगनाओं और देवों के शब्दों से इसने अभिनंदन किया। चंद्रमा और सूर्य से भी अधिक उत्कृष्ट प्रभाव वलय से युक्त शरीर को धारण करने वाला वह देव हर्षपूर्ण हृदय होता हुआ इस प्रकार ध्यान करने लगा कि ये अत्यंत सुंदर देश कौन से हैं, ये हर्ष से भरजन कौन है, मैं कौन हूँ, मेरा यहाँ कहाँ जन्म हुआ है और मैंने किस धर्म का संचय किया। तदंतर मुख्य मुख्य देवों ने समझाया, सब वस्तुओं का परिचय दिया तथा जिसने भव प्रत्यय अभिज्ञान से युक्त हो उसने शीघ्र ही आगे पीछे का सब वृत्तांत जान लिया। तदंतर जिसने सब पूर्वों के सब बंधुओं को जान लिया, जो भाई का हित करने में उद्यत था, जिसने अभिषेक रूप कल्याण प्राप्त हुआ, जिसने वस्त्राभूषण आदि सब सामग्री प्राप्त की थी और अवधि ज्ञान से जिसने कृष्ण का समाचार जान लिया था, ऐसा वह बालुका प्रभा पृथ्वी में गया और वहाँ छोटे भाई कृष्ण को देखकर बहुत दुखी हुआ। महाप्रभाव से संपन्न वह देव जब वहाँ जाके खड़ा हो गया तो वहाँ के अशुभ शब्द गंध और गंधरस और शब्द शुभता रूप को प्राप्त हो गए। वह कहने लगा, हे कृष्ण, आओ आओ, जो मैं तुम्हारा बड़ा भाई बलदेव था वही ब्रह्मलोक का अधिपति होकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। यह कहकर वह देव जो ही कृष्ण के जीव को उठाकर स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए उद्यत हुआ, जो ही उसका शरीर मक्खन के समान गलकर विलीन हो गया। तदंतर कृष्ण ने कहा, हे देव, हे भाई, व्यर्थ की चेष्टाओं में क्या लाभ, क्या आप यह नहीं जानते सब जीव अपने किए का फल भोगते हैं। संसार में जिसने जैसा कर्म उपार्जन किया है, हे भाई, नियम से उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। देव यदि दूसरे प्राणियों के लिए सुख देने और दुख हरने में समर्थ हैं तो फिर अपना ही मृत्यु रूपी दुख क्यों नहीं नष्ट कर लेते हैं। इसलिए भाई, स्वर्ग को जाओ और अपने पुण्य का फल भोगो। मैं भी आयु के अंत में मोक्ष का कारण जो मनुष्य पर्याय है उसे प्राप्त करूँगा। हम दोनों उस मनुष्य पर्याय में तप करेंगे
और जिन सेशन की सेवा से कर्मों का क्षय कर मोक्ष प्राप्त करेंगे। हाँ, एक काम अवश्य करें कि भरत क्षेत्र में हम दोनों को लोग पुत्र आदि से सहित तथा महाभैभव से युक्त देखें, और हम लोगों को देखकर दूसरे के चित्त में आश्चर्य से व्याप्त हो जाए। मेरी कीर्ति की बुद्धि के लिए आप शंख चक्र तथा गदा हाथ में मेरे लिए प्रतिमाओं में मंदिरों में समस्त भरत क्षेत्र को व्याप्त कर दें। बलदेव का जीव देवेंद्र कृष्ण के पूर्वोक्त वचन का स्वीकार कर तथा उन्हें सम्यक दर्शन में शुद्धता रखने का उपदेश दे भरत क्षेत्र आया। भाई के स्नेह के वशीभूत हुए उस देव ने कृष्ण का कहा सब काम किया और दिव्य विमान में कृष्ण और बलदेव सबको दर्शन कराया तथा नगर ग्राम आदि में बनवाए हुए कृष्ण के मंदिरों में संसार को कृष्ण विषयक मोह से तन्मय कर दिया था। सो ठीक ही है, क्योंकि स्नेह से क्या क्या चेष्टा नहीं होती। तथा देव ने ब्रह्म स्वरूप जाकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा की और वहाँ वह स्त्रियों के समूह से आवृत हो देवों के सुख का उपभोग करता हुआ रहने लगा। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, स्नेह की अधिकता से जीव उच्च स्थान में स्थित होता हुआ भी भयपूर्ण पाताल के मूल में जाता है और शेष संसार के सारभूत प्राप्त हुए विषय सुख का उपयोग नहीं करता है। पहले अध्ययन किए हुए शास्त्र का स्मरण नहीं रखता और विपरीत काम करने लगता है। इसलिए स्वर्ग और मोक्ष सुख के बाधक प्राणियों की अत्यधिक स्नेह संबंधी मोह को धिक्कार हो। तदनंतर मोह को नष्ट करने वाले नेमि जिनेन्द्र के उस प्रचलित तीर्थ में वरदत्त नामक मुनि को केवल ज्ञान हुआ और हरिवंश की संतति को धारण करने वाला धीर वीर जगत कुमार धुरंधर राज लक्ष्मी की रक्षा करता हुआ राज संभालने लगा। इस प्रकार अरिष्ट नेमि पुराण के संग्रह से युक्त जिन सेनाचार्य रचित हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ के निर्वाण का वर्णन करने वाला 65वां सर्ग समाप्त हुआ।